वेलकम स्टूडेंट मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास। आज पहले कक्षा का व क्लास वन का हिंदी का जो व्याकरण है, हिंदी का जो ग्रामर है, हिंदी पहले कक्षा में एक साल में जो ग्रामर लगता है व जो व्याकरण लगता है उसी को मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो आशा करें आप लोग सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट आज हिंदी का व्याकरण जो है पहले कक्षा का क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा को कहना सुनना समझना ही भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? हम लोग जो बोलते हैं और उसको जो सुनते हैं तो बोलते भाषा को कहना और सुनना जो समझना उसी को क्या बोलते हैं भाषा। तो भाषा का कितने पद है व कितने प्रकार होते हैं? मौखिक भाषा एक और लिखित भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा को क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोला तो हम लोग मुँह में बोलते हैं। मैं जो आपको ऐसे अभी बोलती हूँ पढ़ाती हूँ और आप लोग जो मेरे सुनते हैं तो उसे मौखिक भाषा जो है बोलना और सुनना उसी को मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा क्या है? जो आप लिखते हो कुछ भी कोई होमवर्क हो, क्लास वर्क हो स्कूल के, और कुछ भी घर में जो लिखते रहते हो कोई भी लेटर, तो उसी को क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। तो अभी आपको समझ में आ गया जो भाषा किसे कहते हैं। भाषा दो भेद है, एक मौखिक भाषा एक लिखित भाषा। उसके बाद सेकंड में क्या होता है? तो अभी इसका जो सेकंड नंबर व्याकरण होता है क्या है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं लिए जा सकते वर्ण कहते हैं। तो भाषा की जो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिससे और टुकड़े नहीं किए जाते उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने भेद होता है वह कितने प्रकार होता है? वो भी दो प्रकार, दो भेद होता है। वर्ण स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण दूसरी। तो पहला होता है स्वर वर्ण, क्या होता है? उसी में जो लेटर रहता है अक्षर रहता है क्या है? अ आ ई उ ए आई ओ औ अम अह, उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद दूसरे में क्या रहते हैं? वो होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? और जो दूसरे लेटर रहता है क से ज्ञा तक उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या क्या है? क ख ग घ च छ ज झ आदि जो वर्ण रहता है जो अक्षर व लेटर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से ज्ञा तक। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अ से अ तक। तो अभी आप लोग को वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण दो भेद व दो प्रकार, एक स्वर वर्ण दूसरी व्यंजन वर्ण, आपको वर्ण भी हो गई। अब तीसरे में क्या है? आप लोग मात्राएं पढ़ोगे। जो ये जो हम लोग वर्ण पढ़े जो स्वर वर्ण व्यंजन उसी का क्या क्या मात्राएँ होती हैं, जो कि व्यंजन वर्ण का क्या? अ मात्रा, आ मात्रा, ई मात्रा, ई मात्रा, ऊ मात्रा, रू मात्रा, ए आई मात्रा, ओ मात्रा, औ मात्रा, औ मात्रा, अह मात्रा। तो आप लोगों की आज जो पहले कक्षा का जो हिंदी व्याकरण व हिंदी ग्रामर का जो पहले कक्षा में जो पढ़ाई जाएगी सबसे पहले उसी को मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाई दी हूँ। तो आप लोग को किसी भी ये तीन का जो है एक भाषा वर्ण मात्रा है नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिए। तो मेरी वीडियो कैसे लगे, मेरे पढ़ाई कैसे लगे, ज़रूर आप लोगों को मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। तो दूसरी वीडियो के साथ दूसरे के दिन आपसे मुलाकात करूँगी और हिंदी व्याकरण व हिंदी ग्रामर जो पहले का क्या क्या दूसरी पाठ रहेगा उसी को मैं पढ़ाऊँगी। तो मेरे वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट से आप लोग को धन्यवाद।